अस्सलाम वालेकुम एस्पेरेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपके वालदैन भी ठीक होंगे। आई एम नायाब रमज़ान फ्रॉम 49th कोमन। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद आप सबसे वो मिथ्स डिस्कस करना है जो कि CSS के साथ एसोसिएटेड है, और इन मिथ्स को फॉलो करते हुए लोग इतनी परप्लेक्सिटी का शिकार होते हैं, इतनी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि वो जो ओरिजिनल जर्नी है और जो ओरिजिनल उनकी जो डायरेक्शन थी उसे भूल जाते हैं। द फर्स्ट मिथ दैट इज एसोसिएटेड विद CSS इज कि CSS इज बेस्ड ऑन द लक फैक्टर। देखें, सिर्फ लक से कुछ नहीं होता। मैं मान लेती हूँ कि 99% CSS क्लियर करने में लक का फैक्टर जो है ना वो होता होगा, लेकिन एटलीस्ट 1% तो आपकी मेहनत होती है ना, एटलीस्ट 1% तो आपकी मेहनत होती है। मेरी इस जर्नी में मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल किया, मेरा मजाक उड़ाया कि शी कैन नॉट डू CSS, इससे CSS नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने मुझे मॉक किया जो कि मेरे रिलेटिव नहीं थे, नो मेरे रिलेटिव सबसे पहले इस लाइन में थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फोर्स थे, जिन्होंने मुझे रिडिक्यूल किया, मुझे मॉक किया कि इससे CSS कभी भी नहीं होगा, शी कैन नॉट डू दैट, ना ये PMS कर सकती है ना ये CSS कर सकती है। वन माई फादर एक्सपायर्ड इन 2013, तो लोगों का यही कहना था कि अब तो इससे बिल्कुल भी नहीं होगा, जो उसे सिखाने वाला था वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब उससे CSS नहीं होगा। आज ये सब कुछ अचीव करने के बाद मैं अल्लाह ताला के करम का बहुत, अल्लाह ताला की बहुत बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला आपने मुझे वो इज़्ज़त दी है जिसके मैं काबिल नहीं थी। और आज आप सब एस्पिरेंट्स को इस मिथ्स के पीछे लगकर अपना मुस्तकबिल ख़राब करते देखती हूँ, तो दिल चाहता है कि मैं आपको बताऊँ कि नो, CSS इज़ नॉट नॉट बेस्ड ऑन द लक, ओनली लक। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा ना, आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको मिलेगा। नंबर ऑफ पीपल यूज टू से के मिस नयाब जो है ना वो लक फैक्टर पे जो है वो ASP बन गई हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आप ऐसा करें कि आप घर बैठकर मुजज़े का इंतज़ार करें और घर बैठे बैठे जो एलोकेट हो जाए, कुछ काम ना करें। आज वो एस्पिरेंट्स जो इस ये सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लूँ या फिर एक आधी किताब पढ़ लूँ या फिर एक टॉपिक को एक ही जगह से सर्च करके तैयार कर लूँ तो मैं लक फैक्टर की बेसिस पे जो है ना वो हो जाऊंगा, तो ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है, और इसकी वजह से एस्पायरेंट्स हमेशा मिसगाइड होते हैं। आपका मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, आई एडमायर, आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, आई एडोर, लेकिन अगर आपने मेहनत ही नहीं की प्रॉपर डायरेक्शन में और रिसर्च बेस्ड नॉलेज को नहीं शेयर किया, तो आप CSS और PMS नहीं कर सकते। द सेकेंड एसोसिएटेड मिथ है इसके, ऑप्शनल वही सेलेक्ट कर लो जो कि तुम्हारे फ्रेंड ने सेलेक्ट किया था या फिर किसी CSP ने सेलेक्ट किया था। देखिए, आपकी जर्नी है, आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में आप बहुत माहिर हैं। अगर मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री सेलेक्ट की थी, डजन मीन कि आप भी ब्रिटिश हिस्ट्री रख लें। अगर मैंने पंजाबी रखी थी, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप पंजाबी रख लें। आई कैन जस्ट एडवाइज़ यू, आई कैन जस्ट एडवाइज़ यू पीपल, मैं और कुछ भी नहीं कर सकती, मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए ये आपने खुद चूज़ करना है कि मेरी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। द थर्ड एसोसिएटेड मेथड इज के CSS में इवेल्यूएशन की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर अकेडमी से ही CSS होता है। देखिए, ये बहुत बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कि एस्पेरेंट्स को लगता है। अकेडमीज या मैंटोर्स आपको आपको इवेल्यूएट कर सकते हैं, आपकी स्पून फीडिंग नहीं कर सकते, आपको सिखा सकते हैं कि ये तरीका बेहतर है अडॉप्ट करने के लिए, या ये इस डायरेक्शन में काम कर लो, इस टेक्निक को फॉलो करते हुए काम कर लो, इस सोर्स से पढ़ लो, लेकिन वो आपकी स्पून फीडिंग नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था वो आपको A to Z सब का सब जो है ना वो सिखा दें, पढ़ा दें। इससे ना तो आपकी खुद की रिसर्च होती है और ना ही आपको वो एनालिसिस आता है जो कि एक एस्पेरेंट से या एक कैंडिडेट से रिक्वायर्ड होता है। द नेक्स्ट एसोसिएटेड मिथ है उसके, मोटिवेशन दूसरे ही करते हैं, सब लोग खुद ही मोटिवेट करते हैं, इनर मोटिवेशन कुछ भी नहीं होती CSS में। और ये इतना बड़ा मिथ है कि इसकी वजह से रेट ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है। आपने खुद को खुद ही मोटिवेट करना है, आपने अपने अंदर से इनर मोटिवेशन को जो है ना वो अवेक करना है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने CSS एग्जाम को क्रैक करने के, आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके फोर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आज आपको रिडिक्यूल भी किया जाएगा, आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा, आपको ताने भी दिए जाएंगे कि आपसे CSS नहीं होगा। द सेम वॉज द केस विद मी, मुझे भी ऐसे ही कहा जाता था कि नायाब यू कैन नॉट डू सो, आप नहीं कर सकती, आप कोशिश छोड़ दो, बस करो, आपसे नहीं होगा।
लेकिन अगर मैं उस वक्त हिम्मत हार जाती और अपने इनर मोटिवेशन को जिंदा ना रखती तो मैं तो कभी भी नहीं कर सकती थी। माई फादर एक्सपायर्ड इन 2013, तो उनके उनकी मैयत मौजूद थी जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब इस बेचारी का क्या होगा, अब इससे CSS नहीं होगा, क्योंकि इसके फादर नहीं है, इसका कोई सरबराह नहीं है, इसका कोई गार्डियन नहीं। तो उस बुरे टाइम पे भी मैंने ऐसी बातें सुनी हैं, और आज जब अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने वो सारे जो रिग्रेट्स थे वो ख़त्म कर दिए हैं। अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, आप अपने आप को मोटिवेट खुद कर रहे हैं, आपके अंदर से एक जज्बा है, आपके अंदर पैशन है, कि आपको इस सवाल का जवाब पता है कि वाई आई एम डूइंग CSS, आपको खुद पता है कि मैं CSS क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो CSS आपके लिए ही है, यकीन रखें। एक मिथ ये भी है CSS में कि जो ऑप्शनल्स होते हैं उनमें बुकिश मटेरियल लिखना होता है। देखिए, ऑप्शनल्स में भी आपको करंट सिचुएशन अप्लाई करनी होती है। फॉर एग्जांपल, एरिस्टोटल की आप कोई थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी करंट एप्लीकेशन अगर आप डिस्कस करेंगे पेपर में, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको पेपर चेकर एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो देगा जब आप करंट अफेयर्स भी कोट करेंगे, आप बताएंगे कि करंट सिचुएशन क्या है। द नेक्स्ट एसोसिएटेड मिथ इज के CSS में MCQs इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, और इस मिथ ने मुझे भी बहुत लॉस की है। शायद फिर मेरी 49th पोजिशन ना होती, इससे बहुत ऊपर होती, लेकिन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, तो इसलिए मैं खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स के MCQs पे ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। मैंने सब्जेक्टिव को तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल भी तैयार नहीं किया। उसका लॉस मुझे ये हुआ कि मैंने आई लुक एट द पेपर ऑफ द करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, मुझे लगा कि मुझे तो, एंड ऑल्सो GS, मुझे लगा कि मुझे एक MCQ भी नहीं आता, एक भी नहीं आता। जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ किस असैसिनेशन किस डेट को हुई थी, 2nd जनवरी या 3rd जनवरी, मुझे नहीं आ रहा था पेपर में। तो अगर मैंने MCQs को तैयार किया होता तो मेरे मार्क्स इससे बहुत बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन फिर कहूँगी ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो आप बिल्कुल भी MCQs को इग्नोर ना करें, MCQs या ऑब्जेक्टिव पोर्शन आप ज़रूर तैयार करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आपके अच्छे हो जाएंगे और फुल मार्क्स आपके उसी में आ जाएंगे, 20/20 आप गेन करेंगे, तो आपका जो एग्रीगेट होगा वो बहुत अच्छा बनेगा। MCQs को अभी से तैयार करना शुरू करें। पाकिस्तान अफेयर्स हो गए, इस्लामियात हो गया और GSA, इनके MCQs आप अभी से तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप एंड पर जाकर तैयार करें। फिर एक एसोसिएटेड मिथ ये भी है कि CSS करने के लिए हमारी फैमिली में किसी सिविल सर्वेंट का होना या हमारे पास कोई फॉरेन डिग्री होना ज़रूरी है। देखिए, अगर मेरी फैमिली में सिविल सर्वेंट था, इसका मतलब इस मतलब नहीं कि सिविल सर्वेंट की वजह से ही मैंने CSS कर लिया या उनकी कोई सिफारिश चल गई। ये बहुत बड़ा CSS प्रेपरेशन करते हुए मिथ होता है कि मैं किसी CSP से एसोसिएट हो जाऊंगा, कनेक्ट हो जाऊंगा, तभी मैं CSS कर पाऊंगा। बहुत बहुत गलत कंसेप्ट है। CSS के रिटर्न में ना तो FPSC को ये पता होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ना FPSC को ये पता होता है कि आप किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आपने तैयारी कहाँ से की है। वो वही देख रहे होते हैं जो आपका आउटपुट होता है, आपका आउटपुट देख रहे होते हैं, आपका पेपर देख रहे होते हैं, और उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है कि इंटरव्यू में आपकी सिफारिश हो जाती है, तो देखिए मेरे रिटर्न में ज़्यादा मार्क्स हैं एज कम्पेयर टू इंटरव्यू। इंटरव्यू में मुझे बहुत टफ टाइम दिया गया, द पैनल वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव, और पैनल ने मुझे एक दफ़ा जो है ना वो कहने की सीधा कर दिया। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए, जैसे उन्होंने मुझे कहा नया नेम, टू एन्स, टू जेन्स, टू कैथरीन्स। तो ब्रिटिश हिस्ट्री में डेफिनेटली मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री तो रखी थी, लेकिन वो 1600 से स्टार्ट होती थी, पहले से स्टार्ट नहीं होती थी। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, आई डोंट नो दी आंसर। तो उन्होंने कहा कि डू यू नो अबाउट हेनरी 8? तो डेफिनेटली मुझे हेनरी 8 का पता था, ये आपकी जनरल नॉलेज में होता है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हेनरी 8 के जो 6 वाइव्स हैं उन्हें टू एन्स, टू जेन्स और टू कैथरीन्स कहा जाता है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस ना हमारे सिलेबस में होते हैं, लेकिन ये हमारी जनरल नॉलेज होती है, और डेफिनेटली वो आपको स्ट्रेस में भी मुबतला करके देखते हैं, आपको प्रेशराइज भी करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कि आप अपने नर्व्स पर कितना कंट्रोल करते हैं। तो सिमिलरली मुझे किसी किस्म का कोई एज जो है ना वो इंटरव्यू में नहीं मिला। 2 के FPSC के जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझसे कहा कि यस आई नो यू आर डॉटर ऑफ अ सिविल सर्वेंट, लेकिन मुझे उसका कोई भी बेनिफिट जो है वो इंटरव्यू में नहीं दिया गया। मेरे रिटर्न में मार्क्स ज्यादा है इंटरव्यू की नस्बत।
तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि सीएसएस में सिफारिश होती है, पीएमएस में सिफारिश होती है। नो, ये बहुत मेरिट बेस्ड एग्जाम्स हैं और आप मेरिट पे ही आ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। फिर आप देखें कि एक मिथ ये होता है कि एस ए के पेपर में या फिर प्लस सी के पेपर में वो लोग जो सबसे ज़्यादा एन्जाइटी रखते हैं, जो बहुत तैयारी करते हैं टेंशन से, परेशानी लेके, जो बहुत वर्ड होते हैं, वही सीएसएस कर सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि मैंने बहुत एन्जाइटी का टाइम देखा है, बहुत मुझे एन्जाइटी रही है। लास्ट ये जो डेज होते हैं, मतलब लास्ट मंथ होता है, उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, आप स्ट्रेस में मुबतला होते हैं। लेकिन एट द वेरी एंड ऑफ द डे आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। मैं ये मान लेती हूँ कि आपने 15 साल तैयारी की होगी, 20 साल तैयारी की होगी, लेकिन अगर आप पेपर वाले दिन परफॉर्म नहीं कर पाते, उस दिन आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल ना किया, तो आपका एक्सप्रेशन, आपका स्ट्रक्चर, आपका नॉलेज सब फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप देखते हैं पेपर में और आपको अंदाजा होता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। सिमिलर वॉज द केस विद मी, मुझे पेपर देखने के बाद अंदाजा हुआ, खासतौर पर करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, जीएसए, कि मुझे कुछ भी नहीं आता। और वहीं परफॉर्म करना होता है जहां लगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता। पेपर छोड़ के आ जाना, पेपर में बुरा परफॉर्म कर देना या फिर दिल छोड़ के लिखना, ये बहुत बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है कि आप इतनी तैयारी करने के बाद उस दिन, जिस दिन आपने बड़ा सोच समझ के क्लेवरली परफॉर्म करना होता है, शार्पली परफॉर्म करना होता है, उस दिन आप अपने नर्व्स का कंट्रोल खो दें। एसे को देखने के बाद, एसे के टॉपिक्स देखने के बाद ये मत सोचें कि ये बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ नहीं आता। आप ये देखें कि अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखते हुए, नॉर्मल रहते हुए ये देखें कि इनमें से कौन सा टॉपिक है जिसे मैं वाइजली चूज कर सकता हूँ, और वाइजली चूज करने के बाद इस पे इन तीनों बेसिक स्टेप्स ऑफ सीएसएस एसे को अप्लाई कर सकता हूँ। और अगर आप उस वक्त अपने नर्व्स को कंट्रोल कर लेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा भी पेपर देकर ये दिल किया था सीएसएस एसे का कि मैं छोड़ के भाग जाऊँ, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। टूरिज्म चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा लोगों ने रखा था, लेकिन वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं था कि करना क्या है। तो वो ये समझे कि टूरिज्म ही टूरिज्म तो बहुत आसान टॉपिक है, इस तरह कश्मीर था। देखिए, टॉपिक को सेलेक्ट करते हुए बहुत विजिलेंटली अंदाजा करें कि मुझे, मैं इस पर कितना जानता हूँ, मेरा कितना अच्छा एनालिसिस है इस टॉपिक पे, फिर ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बस ये देखें कि कश्मीर लिखा हुआ है तो मैंने कश्मीर पे बहुत कुछ पढ़ा, लेट्स गो फॉर इट, ये बहुत बहुत गलत अप्रोच है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा लिखें और विजिलेंटली लिखें, परेशान ना हो। मुझे इस जर्नी में बहुत बहुत जो है वो टेंशन रही है, स्ट्रेस रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि पेपर वाले दिन मैंने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल किया है, अपनी एन्जाइटी को कंट्रोल किया है और अपने नर्व्स पे काबू रखा है। यही सोचा है कि सब कुछ अल्लाह ताला का करम ही होता है। अगर मैं इस वक्त अपने जज्बात पे काबू पाऊंगी, इस वक्त अपनी अपने डिप्रेशन पे काबू पाऊंगी, तो मुझसे हो जाएगा, हो जाएगा। और ये यकीन और ये फेथ ही आपको कामयाब करता है कि मुझसे हो जाएगा। कोई भी, देखिए, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं भी आप लोगों की तरह आम सा शख्स हूं, आम से आदमी हूं, एक आम आम इंसान हूं। लेकिन अगर आप मेरी तरह सिर्फ हिम्मत रखें, मेहनत करें और अल्लाह ताला पे यकीन करें, तो आपसे हो जाएगा। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंसिस्टेंट। अगर आप ये जो मिथ्स हैं कि अभी तैयारी करके रख लो, सीएसएस की सारी तैयारी कर लो, एंड पे 1-2 महीने में फिर हम उसे रिवाइज कर लेंगे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो आप करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। देखिए, आप 2022 के करंट अफेयर्स 2020 में तो नहीं पढ़ सकते थे ना। डेफिनेटली आपने हर चीज़ को, जब हर सब्जेक्ट को करंट अफेयर्स जो है लिंक करके लिखना होता है, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप एंड वाले एटलीस्ट 3-4 मंथ्स बहुत दिल लगा के पढ़ें। और एक एसोसिएटेड मिथ ये भी है कि सीएसएस में कमरे बंद करके बैठना पड़ता है, कैद हो जाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, लोगों से मिलना छोड़ना होता है। देखिए, मैंने ये ज़रूर है कि मैंने सोशल गैदरिंग्स को छोड़ा था, लास्ट 2-3 मंथ्स में मैंने आना जाना कहीं बंद कर दिया था, पर ऐसा नहीं कि मैं कमरे में इतना बंद होकर बैठ गई थी कि मैंने कमरे से निकलना भी जो गलत समझा था, ये मिसकंसेप्शन है। आपने अपना टास्क अकम्प्लिश करना है, द रिक्वायरमेंट इज टू अकम्प्लिश द टास्क। आपने अपना टास्क कंप्लीट करना है और टास्क जब कंप्लीट हो गया फिर आप जो मर्जी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 25 टॉपिक्स तैयार करने के बाद अगले 6 दिन रेस्ट करें। अपने आप को वो जो स्टेडीनेस होती है ना, उसमें वो बरकरार रखें, जो कंसिस्टेंसी होती है वो बरकरार रखें। तो सीएसएस आपके लिए ही है। फिर मैंने ये सोचा कि
मुझे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर मैं एक दिन में एक टॉपिक तैयार कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन मैंने कुछ स्किप नहीं करना, मैंने अगले दिन उस टॉपिक को भी रिवाइज करना है और उसके साथ एक और नया टॉपिक भी जो है वो पढ़ना है। FPSC ने अपनी वेबसाइट पे जो है वो सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबाई में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये टॉपिक्स जो हैं इन पर हम आपको जज करेंगे, तो उन टॉपिक्स को तैयार करें। फिर एक मिथ ये भी है कि बुक से ही सिर्फ CSS हो जाता है। देखिए, सिर्फ बुक्स नहीं आपके काम आ सकती हैं, आपको बुक्स के साथ साथ अपने डाटा को अपडेट करना पड़ता है। अपडेटेड डेटा आपको इंटरनेट से मिलेगा, आपको न्यूज़ सेक्शन में से मिलेगा। गूगल पे आप सर्च करें फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, तो वहाँ पर न्यूज़ सेक्शन में आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे आ जाएंगे। आप उन आर्टिकल्स को स्टडी करें, इनोवेटिव सोल्यूशंस दें। बुकिश नॉलेज आपको कभी भी कामयाब नहीं करता। और ये जो मिथ है कि ढेर सारी किताबें खरीद लूँ और सिर्फ किताबों से ही पढ़ लूँ, तो बुकिश नॉलेज आपको हमेशा कामयाब नहीं कर सकता। आपको इस वक्त CSS इस सिचुएशन पे, मतलब CSS में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि हर चीज़ आपकी आपके क्लिक पे है। एक क्लिक पे सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देखें आप, न्यूज़ सेक्शन को सर्च करें गूगल पर, आप रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ें और उन्हें बुक्स के साथ एसोसिएट करके फिर नोट्स बनाएं। डेफिनेटली आपके साथ मेरी कमिटमेंट है कि मैं आपको नोट्स मेकिंग टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस जर्नी में, आपको लगता है कि CSS में वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी फैमिली में सिविल सर्वेंट्स होते हैं, फॉरेन डिग्री होल्डर होते हैं। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गई हूँ कि मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 49 कॉमन सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स के ही डिसेंडेंट्स थे। और एक ये मिथ कि फॉरेन डिग्रीज वाले CSS करते हैं, नो। अगर मेरे साथ किसी फॉरेन डिग्री वाले ने CSS को क्वालिफाई किया या फिर वो एलोकेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब वही एलोकेट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड एलोकेटीज ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक एक आम घराने से, एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो एक आम स्कूलिंग करके आए हैं और आम सी स्कूलिंग थी उनकी, एक नॉर्मल सी, लेकिन उनके हार्डवर्क ने और उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें CSS करवा दिया और आज वो पाकिस्तान के साथ अटैच है। फिर एक मिथ ये है कि ब्यूरोक्रेट बनने के बाद, सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपके पास पता नहीं कितनी पावर्स आ जाती हैं, कितनी आपकी ज़्यादा पे हो जाती, सैलरी हो जाती। अपनी नीयत ये रखें कि आई हैव टू सर्व पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान का खादिम बनाया जा रहा है, मुझे पाकिस्तान की अवाम का खादिम बनाया जा रहा है, आई हैव टू सर्व पीपल। मुझे सिविल सर्वेंट कहा गया तो डेफिनेटली मैं एज अ सर्वेंट ही सर्व करूंगा ना। मैंने भी, मेरा एम भी यही है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे पुलिस सर्विसेज में एलोकेट किया है तो मेरा मकसद पाकिस्तान के लिए सर्व करना है, पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हुए, पैट्रियट होते हुए पाकिस्तान को सर्व करना है, ना कि अपने प्रिविलेजेस और अपने इंटरेस्ट को जो है ना वो आप लोगों के सामने शो ऑफ करना है। आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जब ये नियत रखेंगे कि यस मैंने पाकिस्तान को सर्व करना है और पाकिस्तान के लिए जो है वो काम करना है, तो आप कभी भी जो है ना वो पीछे नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला आपकी नीयत का आपको फल देगा और बेशक अमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत बहुत साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत ही होनी चाहिए कि मैंने पाकिस्तान को सर्व करना है। तो फिर ये जितने भी मिथ्स होते हैं इनकी वजह से कन्फ्यूज़ होकर पेपर वाले दिन अपने आप को ख़राब ना करें, अपनी प्रेपरेशन ख़राब ना करें। फिर आप लोगों का ये एक मिथ कि मैं खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, सेल्फ स्टडी करने के लिए वो लोग जो खुद को बहुत अच्छा इवेल्यूएट कर सकते हैं उन्हें चाहिए वो सेल्फ स्टडी करें, वो सेल्फ स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी करते हुए वो ये कोशिश करें कि अपने आप को खुद इवेल्यूएट करें। हाँ, जहाँ उन्हें लगे कि मैं बेबस हो गया हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को जज नहीं कर पा रहा, ये मेरा बेस्ट था जो मैंने दे दिया और मैंने अपने आप को FPSC के स्टैंडर्ड्स पर देख लिया, वहाँ पर आप किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन करें, मस्ट ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्लियर है, हर बात मुझे क्लियर है, मुझे लगता है कि ठीक है, यस दिस इज द बेस्ट पीस आई हैव रिटन, तो फिर कोई बात नहीं, अपने कॉन्फिडेंस पर जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इवेल्यूएशन की जरूरत है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल अपने आप को इवेल्यूएट करवाएं। जब आप लेक्चर लेते हैं तो टीचर के से कोई लिंक नहीं होता कि आपको वो चेक करे कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंडिविजुअल इवेल्यूएशन करवाते हैं तो फिर आप कामयाब हो जाते हैं। मैंने इस जर्नी के दौरान बहुत सारे टीचर्स को इवेल्यूएशन भी करवाई और बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तान में टीचर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया और उन्हें इवेल्यूएशन करवाई। डेफिनेटली उनके उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि एक बहुत सारी जगहों पर मुझे लगा ठीक है मैं खुद को इवेल्यूएट तो कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे मौक़ों पर मैं बेबस हो गई कि अब मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि CSS ऐसे में इससे ज़्यादा कहाँ पर बेहतर तरीके पर जाना होता है। माई फादर वॉज माई ग्रेटेस्ट मेंटोर, लेकिन उनके एक्सपायर होने के बाद, उनके जाने के बाद तो डेफिनेटली लास्ट टाइम में वो मेरे साथ नहीं थे, तो फिर मुझे इवेल्यूएशन की तो ज़रूरत थी,
वो मैंने ज़रूर करवाई थी। तो ये जो मिथ्स होते हैं कि हम खुद नहीं पढ़ सकते, हम खुद बिल्कुल पढ़ सकते हैं, हर एस्पिरेंट हर क्वालिफायर खुद ही पढ़ता है, लेकिन खुद पढ़ने के साथ साथ जहाँ आपको लगे कि इवेल्यूएशन की ज़रूरत है वहाँ इवेल्यूएट भी करवाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इन मिथ्स से बाहर निकल कर मेहनत करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको रिडिक्यूल कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी एग्जाम्पल्स देंगे, वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।